स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वाटर आर गिवन एज 3 × 10⁸ एंड 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली. फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर. तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको विद रेस्पेक्ट टू देखकर भयभीत नहीं होना है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट. मैं पूरा लिख रहा हूं ताकि आप इसे रिलेट कर पाए. ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट. किसकी अभी लिखते हैं. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. एयर कहां से? जो पहले लिखा वो ऊपर आया. और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. यहां पे मीडियम क्या है? वाटर. तो जो भी मीडियम हो उसे नीचे लिखना है. ऊपर हमेशा एयर रहेगा. हमेशा एयर रहेगा या वैक्यूम रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वैक्यूम और एयर बिल्कुल एक जैसे चलते हैं जब हम लोग कैलकुलेशन करें तो. ओके, तो यही हमें निकालना है. इसे म्यू पढ़ते हैं, है ना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर इस तरह पढ़ते हैं. यहां पे लिखा भी हुआ है. अब ये कितनी है? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.25 × 10⁸. अब थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको परेशान कर सकती है, बिल्कुल भी मत डरिए. डेसिमल हटाइए, दो जीरो बढ़ जाएंगे, तो 300 डिवाइडेड बाय 225. अब आप सीधा इसको 25 से काट सकते हैं. 25 धाम 250 होता है, तो 9 बार में कट जाएगा ये, और ये 12 बार में कट जाएगा. तो आपका आ गया ये 4/3 आ गया. 4/3 और आपकी बुक आंसर दे रही है कितना? 1.33. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती. आगे हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा. तो 4/3 और 1.33 में कोई अंतर नहीं है. एग्जाम में जब भी आपको वैल्यू यूज करनी हो, अगर मान लीजिए ये कैलकुलेशन के आगे और कुछ यूज करना हो, तो 1.33 के बजाय आप 4/3 यूज करिएगा, तो आपकी कैलकुलेशन ज्यादा आसान रहेगी और सही आंसर तरफ आप जल्दी बढ़ेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है.